लालकुआ में कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करते हुए उचित दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बिंदुखता क्षेत्र के इंदिरा नगर प्रथम में रहने वाले दर्जनों लोगों की जांच की। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए RT-PCR सैंपलिंग की जा रही है। बिंदुखता BJP मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 26 लोगों के सैंपल लेकर कोरोना की जांच की। कोरोना काल के इस दूसरी लहर में आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ रहें, सुरक्षित हैं। साथियों, लगातार कोरोना की इस लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित में उपयुक्त तो प्रयासों को करते आई है। इस निमित्त इस दूसरी लहर के चलते हमारे इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मंडल बिंदुखत्ता में हमने परसों हमारे कुछ क्षेत्रों में संक्रमण से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग संक्रमित हो गए थे। उन क्षेत्रों में हमने सैनिटाइजर करवा कर उस क्षेत्र में राहत पहुँचाने का एक प्रयास किया तथा उन लोगों को जो संदिग्ध थे अस्पतालों में उपयुक्त बेड मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, इंजेक्शन्स मिल सके, इसका प्रयास किया। और आज साथ ही पिछले 2-3 दिनों से कुछ क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो रही है और अनेक लोगों में संक्रमण फैला हुआ है, जिसके निमित्त क्रिटिकल स्थानों में लोग भयभीत थे। इस निमित्त आज हमने लोकल स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क कर कई जगहों पर स्वास्थ्य टेस्ट कराया, जिसके लिए क्षेत्र में आज लोग उन्हें राहत की सांस ली। वहीं BJP मंडल अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि हमें अपने और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर रहना चाहिए। कोरोना काल के दौरान किसी तरह की कोई भी लापरवाही न बरतें। इसके बचाव को लेकर सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंद्र आर्या की रिपोर्ट।